नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कामाख्या से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि वीकली ट्रेन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन की जानकारी है वो है कामाख्या असम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू तक चलने वाली कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है हफ्ते में एक दिन चलती है। कामाख्या जंक्शन असम से ये ट्रेन जो है हर इतवार को चलती है और मंगलवार को कटरा में पहुंचती है। और इसका जो ट्रेन नंबर है वो है 15655 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। 52 घंटे 45 मिनट में ये कामाख्या जंक्शन से कटरा की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं और 2560 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। अब इसका जो है टोटली नया टिकट किराया है, नया टाइम टेबल है, तो आपको मैं सभी इसके डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो ट्रेन है कामाख्या कटरा एक्सप्रेस, इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सभी में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा, विदाउट रिजर्वेशन आप नहीं जा सकते। तो ये जो ट्रेन है कामाख्या कटरा एक्सप्रेस, इसके हम टिकट किराए को डिस्कस करते हैं, जो कि कामाख्या से कटरा तक का मैं आपको बताऊंगा। इसमें सेकंड एसी के कोच है, जिसका कामाख्या से कटरा तक का टोटल किराया है 3320 रुपये, जिसमें 3111 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 160 रुपये है। तो ये हो गई सेकंड एसी की बात। सेकंड एसी का इसमें एक कोच है, जिसका इसके बाद जो है थर्ड एसी का किराए के बारे में बात करते हैं। कामाख्या से कटरा तक का टोटल किराया है 2265 रुपये, जिसमें 2117 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 108 रुपये है। टोटल किराया जो बनेगा वो है 2265 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा स्लीपर क्लास के कोच भी है। स्लीपर क्लास का जो कामाख्या से कटरा तक का टोटल किराया है वो है 865 रुपये, जिसमें 845 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 865 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के अलावा इसमें जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों का टोटल किराया है कामाख्या से कटरा तक का वो है 535 रुपये, जिसमें 520 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया जो है वो है 535 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार के कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको डायरेक्टली ट्रेन के अंदर ही जो है फूड जो है खरीदना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे कामाख्या जंक्शन असम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो ट्रेन है कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलती है। हर इतवार को कामाख्या जंक्शन असम से, जो कि गुवाहाटी के पास का स्टेशन है, यहाँ से यह हर इतवार को सुबह 11 बजे रवाना होती है। और इसका स्टेशन कोड है KYQ और 52 घंटे 45 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है असम का वो है गोलपारा टाउन में ये दोपहर के 12:38 पर पहुँचती है और 12:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 124 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गोलपारा टाउन का स्टेशन कोड है GLPT और यहाँ पर ये ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या वीकली एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद न्यू बंगाईगोंग जंक्शन असम में ये पहुँचेगी। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:50 पर पहुँचती है और 2 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 175 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अलीपुर द्वार, इसके बाद खोखरा जार में पहुंचती है दोपहर के 2:10 पर और 2:12 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। न्यू अलीपुर द्वार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:05 पर पहुंचती है और 3:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। न्यू कोच बिहार, जो कि पश्चिम बंगाल का दूसरा स्टेशन है, यहां पर ट्रेन जो है दोपहर के 3:25 पर पहुंचती है और 3:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 300 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और न्यू कोच बिहार का स्टेशन कोड है NCB। इसके बाद धूपगुड़ी पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है दोपहर के 3:45 पर पहुंचती है और 3:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 360 किलोमीटर के करीब जो है ये कामाख्या से धूपगुड़ी पश्चिम बंगाल तक ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के आखिरी स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में शाम के 6:10 पर पहुंचती है और 6:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है और 426 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है
किशनगंज बिहार में पहुंचती है। बिहार के पहले स्टेशन किशनगंज में ये ट्रेन जो है शाम के 7:28 पर पहुंचती है और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 514 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। किशनगंज में न्यू मालदा टाउन जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के साथ, मालदा टाउन न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है बारसोई जंक्शन बिहार में पहुंचती है रात के 8:38 पे और 8:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। कटिहार जंक्शन में रात के 10:10 पे पहुंचती है और 10:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 610 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद नवगछिया बिहार में ट्रेन जो है रात के 11:07 पे पहुंचती है और 11:09 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 668 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद खगड़िया जंक्शन बिहार में ये रात के 11:57 पे पहुंचती है और 12 बजे के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बेगूसराय बिहार में ये ट्रेन जो है रात के 12:31 पे पहुंचती है और 12:33 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में रात के 1:15 पे पहुंचती है और 1:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 791 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन बिहार में रात के 2:50 पे पहुंचती है और 3 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 842 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SPJ। इसके बाद लहरिया सराय बिहार में यह ट्रेन जो है रात के 3:31 पे पहुंचती है और 3:33 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 875 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। लहरिया सराय के बाद ये जो ट्रेन है कटरा श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दरभंगा जंक्शन बिहार में रात के 3:45 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दरभंगा जंक्शन के बाद कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बिहार के सीतामढ़ी जंक्शन में पहुंचती है। सीतामढ़ी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 4:50 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 946 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रक्सौल जंक्शन बिहार में पहुंचती है। रक्सौल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है सुबह 6:40 पे पहुंचती है और 6:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1,029 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रक्सौल जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है सगौली जंक्शन बिहार में पहुंचती है। सगौली जंक्शन में सुबह 7:08 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1,058 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:01 पे पहुंचती है और 8:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1,081 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बेतिया के बाद ये ट्रेन जो है बिहार के आखिरी स्टेशन नरकटियागंज जंक्शन में सुबह 8:55 पे पहुंचती है और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद कामाख्या कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन कप्तानगंज जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:35 पे पहुंचती है और 12:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 2:20 पे पहुंचती है और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इसके बाद खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:18 पे पहुंचेगी और 3:20 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 1301 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। खलीलाबाद का स्टेशन कोड है KLD और इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन बस्ती रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। बस्ती में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:46 पे पहुंचेगी और 3:50 के करीब वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इसके बाद कामाख्या कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो
गोंडा जंक्शन में पहुंचेगी। गोंडा जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 5:05 पे पहुंचेगी और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। सीतापुर जंक्शन में रात के 8:15 पे पहुंचेगी और 8:25 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 1580 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और इसके बाद ये ट्रेन जो है बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 12:01 पे पहुंचेगी और 12:02 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 1742 किलोमीटर के करीब जो है कामाख्या से बरेली जंक्शन तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद मुरादाबाद जंक्शन में रात के 1:40 पे पहुंचेगी और 1:48 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 1830 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। उत्तराखंड के पहले स्टेशन लक्सर जंक्शन में रात के 3:50 के करीब पहुंचेगी और 3:51 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। 1972 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। सहारनपुर जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहां पर ट्रेन जो है सुबह 5:00 पहुंचेगी और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंचेगी सुबह 6:40 पे और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 2104 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन पंजाब में सुबह 8:25 पे पहुंचेगी और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। अपने अगले स्टेशन पर यह ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में पहुंचेगी। जलंधर कैंट जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 10:00 पहुंचेगी और 10:05 पे वहां से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। 2270 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद यह ट्रेन जो है पठानकोट कैंट में पहुंचेगी। ग्यारह बज के पचपन मिनट पे पहुंचेगी और 12:00 दोपहर को वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो है रुकेगी और 2383 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 1:45 पे पहुंचेगी और 1:53 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 2482 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन उधमपुर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है UHP यहां पर दोपहर के 3:03 पे पहुंचेगी और 3:05 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 2535 किलोमीटर के करीब जो है कामाख्या से उधमपुर की जो दूरी है कवर कर चुकी होगी। इसके बाद कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी दोपहर के 3:45 पे और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेगी। यहां तक की जो टोटल दूरी है 2560 किलोमीटर के करीब जो है कामाख्या आसाम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ कामाख्या कटरा एक्सप्रेस की ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन साथ में जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।